हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गोपाल और गोपाल जी साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर सेकंड के बारे में, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। प्रीवियस वीडियोज में हम लोगों ने 15th नंबर टॉपिक तक देखा था और वह टॉपिक था डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। उसके बाद वाले वीडियो में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया था और एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन थे और कुछ एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद वाले वीडियो में हम लोगों ने सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखा था और उस पॉइंट को पढ़ लेने के बाद, समझ लेने के बाद सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स के बारे में। तो सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड तीनों तीन चीज है अलग अलग, तो वन बाई वन करके हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन क्या है, उसके बाद इसके कुछ प्रॉपर्टी होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के सॉल्यूशन होंगे वह पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग सस्पेंशन के प्रॉपर्टी में एंटर करेंगे, सस्पेंशन क्या है, क्या कुछ इसका प्रॉपर्टी है और कितने प्रकार के होते हैं। फिर कोलाइड्स के बारे में देखेंगे कि कोलाइड्स क्या है और प्रॉपर्टी क्या होता है कोलाइड्स का और कितने प्रकार के कोलाइड्स हैं। तो सॉल्यूशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा 16th नंबर टॉपिक, वह होगा सॉल्यूशन। तो हम लोग सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सॉल्यूशन को जब हम लोग डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन के बारे में जब हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेज। सॉल्यूशन जो है एक्चुअल में यह मिक्सचर ही है। हम लोग जब मिक्सचर पढ़े थे तो वहां पे पढ़े थे कि सॉल्यूशन भी एक मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोगों ने सॉल्यूशन नाम दिया था। होमोजीनियस मिक्सचर, जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर हैं उन सभी को हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे। तो सॉल्यूशन जो है एक ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर है जो दो या दो से अधिक चीजों से मिलकर के बना होता है। जैसे देखिए आप एग्जाम्पल ले लीजिए, सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर, इसका मिक्सचर लीजिए आप, सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर। सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर जो होगा वह होमोजीनियस होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्ट वाटर के साथ कंप्लीटली मिक्स्ड है, तो यह होमोजीनियस मिक्सचर होगा। और इस मिक्सचर को, इस होमोजीनियस मिक्सचर को, सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर जो होंगे होमोजीनियस मिक्सचर, उसे हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे। तो सॉल्यूशन कुछ ऐसा मिक्सचर है, कुछ इस प्रकार का मिक्सचर है जो होमोजीनियस होगा, जिसमें चीजें कंप्लीटली मिक्स होंगी। तो सॉल्यूशन जो है एक प्रकार का होमोजीनियस मिक्सचर है, उसे हम लोग सॉल्यूशन बोल देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। चलिए हम लोगों ने क्या लिखा कि सॉल्यूशन जो है एक प्रकार का होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर है सॉल्यूशन, तो जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर हैं उन्हें हम लोग सॉल्यूशन बोल सकते हैं। तो अब होमोजीनियस मिक्सचर कहने का क्या मतलब होता है? होमोजीनियस मिक्सचर कहने का मतलब होता है कि ऐसा मिक्सचर जिसमें चीजें कंप्लीटली मिक्स्ड हो एक दूसरे के साथ। जैसे आप शरबत ले लीजिए, चीनी और पानी का शरबत, उसमें चीनी और पानी एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्स्ड होते हैं।
आप एक ग्लास शरबत लीजिए, ऊपर का शरबत पीजिए उतना ही मीठा लगेगा, बीच का शरबत उतना ही मीठा लगेगा और नीचे का शरबत उतना ही मीठा लगेगा। एक्चुअली में पूरे ग्लास में कहीं का भी आप शरबत लेकर के अगर पीजिएगा तो आपको सेम मिठास लगेगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर ज्यादा मीठा लगेगा या नीचे ज्यादा मीठा लगेगा, बीच में ज्यादा मीठा लगेगा, ऐसा नहीं है। वह चीनी जो है पूरे पानी में एक समान फैला होता है, हर जगह सेम मिठास होगा उस चीनी का। तो उस तरह के मिक्सचर को हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, तो और होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन का मतलब ही होगा होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, कोई आपसे सॉल्यूशन बोले इसका मतलब होमोजीनियस मिक्सचर समझिएगा, कोई आपसे होमोजीनियस मिक्सचर बोले इसका मतलब आप सॉल्यूशन समझिएगा। होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन बोल सकते हैं और सॉल्यूशन को हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर बोल सकते हैं। तो जितने भी सॉल्यूशन हैं वह होमोजीनियस मिक्सचर ही होंगे। ऐसा नहीं है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी सॉल्यूशन कहलाएगा, नहीं, होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे। और होमोजीनियस मिक्सचर हम लोग समझे कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होगा, ऐसा मिक्सचर जिसमें चीजें कंप्लीटली मिक्स्ड हो एक दूसरे के साथ, जैसे चीनी और पानी का मिक्सचर कंप्लीटली मिक्स्ड है, इसलिए चीनी और पानी का जो मिक्सचर होगा उसे सॉल्यूशन बोलेंगे। इसका कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। देखिए होमोजीनियस मिक्सचर का या सॉल्यूशन का एग्जांपल है, सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर, सॉल्ट वाटर मिक्सचर, उसके बाद शुगर और वाटर का मिक्सचर, ठीक है, एयर, एयर भी जो है एक होमोजीनियस मिक्सचर है, यह भी हो जाएगा आपका। एलवाई, एलवाई, एलवाई में ब्रास एक कॉमन एलवाई है, ब्रास। देखिए सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर, सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर लीजिएगा तो यह होमोजीनियस मिक्सचर होगा, सॉल्ट वाटर के साथ कंप्लीटली मिक्स होगा इसलिए यह होमोजीनियस मिक्सचर है। शुगर वाटर मिक्सचर, यह भी एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा क्योंकि शुगर वाटर के साथ कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा। एयर, एयर में बहुत सारे गैस होते हैं जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा, इन गैसों को मिलाने से ही एयर बनता है। ये गैस आपस में एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्स्ड होते हैं और कंप्लीटली मिक्स्ड होने के कारण ही यह होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, और इसे ही एयर को ही चूंकि यह होमोजीनियस मिक्सचर है इसे सॉल्यूशन बोल सकते हैं। एलवाय, जितने भी एलवाय होंगे, जैसे ब्रास एक एलवाय है, किस चीज का एलवाय है, तो कॉपर, कॉपर और जिंक को मिलाएंगे तो ब्रास बनता है, ब्रास का मतलब पीतल। कॉपर और जिंक को मिलाएंगे तो ब्रास बनेगा, पीतल बनेगा। यह एक होमोजीनियस मिक्सचर है इसलिए इसे भी, ब्रास को या एलवाय को, जितने भी एलवाय हैं इसे सॉल्यूशन बोल सकते हैं। तो बात आ गई होगी समझ में कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं। सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर को बोलते हैं, और होमोजीनियस मिक्सचर क्या है समझ में आ गया, जितने भी मिक्सचर उस प्रकार के जो आपस में, जिनमें चीजें जो है आपस में कंप्लीटली मिक्स्ड हो, ऐसा मिक्सचर जिसमें चीजें कंप्लीटली मिक्स्ड हो एक दूसरे के साथ, उस तरह के मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे, और जितने होमोजीनियस मिक्सचर हैं उसे सॉल्यूशन बोलेंगे। तो कोई आपसे पूछे कि सॉल्यूशन क्या है, तो आप बोलिए कि सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस, दो या दो से अधिक सब्सटेंस के होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। चलिए अब देखिए, शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कुछ और सॉल्यूशन है, इन सभी सॉल्यूशन को हम लोग, इन सभी सॉल्यूशन को हम लोग ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे, ट्रू सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे भाई, ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे, इसे बोलेंगे ट्रू सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन हो, शुगर सॉल्यूशन कहने का मतलब शुगर और वाटर का सॉल्यूशन,
सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब सॉल्ट और वाटर को मिला करके जो मिक्सचर तैयार होता है उसका सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट मतलब कॉपर सल्फेट और वाटर, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ये सब सॉल्यूशन को हम लोग ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। अगर आपको कहीं एग्जाम में दे दे कि शुगर सॉल्यूशन को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे ट्रू सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। सॉल्ट सॉल्यूशन को किस नाम से जानेंगे, तो ट्रू सॉल्यूशन के नाम से। कॉपर सल्फेट को सॉल्यूशन को किस नाम से जानेंगे, तो ट्रू सॉल्यूशन के नाम से भी जानेंगे। क्यों ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे इसे, क्योंकि शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है, इनमें शुगर जो है वाटर के साथ इतना कंप्लीटली मिक्स्ड होता है कि उसे आप पहचान नहीं सकते हैं। आपको शरबत दे देंगे और पूछेंगे कि इसमें क्या मिक्स है, आप नहीं बता पाइएगा कि इसमें हमको चीनी दिख रहा है या कुछ ऐसा दिख रहा है जो बता रहा है कि इसमें चीनी मिक्स है, नहीं दिखेगा। एकदम कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाता है शुगर पानी के साथ। वैसे ही सॉल्ट के केस में भी है, सॉल्ट भी पानी के साथ कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, उसे आप पहचान नहीं सकते हैं। कॉपर सल्फेट भी एकदम कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, उसे आप पहचान नहीं सकते हैं। हाँ, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, तो वह कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि कॉपर सल्फेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कॉपर सल्फेट भी कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, इसीलिए इसे हम लोग ट्रू सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ट्रू सॉल्यूशन को और जितने भी ट्रू सॉल्यूशन है, इसे मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन के भी नाम से जानते हैं हम लोग। मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इन्हें हम ट्रू सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। और ट्रू सॉल्यूशन को या फिर इन सॉल्यूशन को हम लोग मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या है, तो इसे ट्रू सॉल्यूशन भी बोलेंगे, इसे मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन भी बोलेंगे। तो ट्रू सॉल्यूशन तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कंप्लीटली मिक्स्ड है वाटर के साथ, एकदम से कंप्लीटली मिक्स्ड है, पहचान पाना नामुमकिन है। लेकिन भाई मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन क्यों बोलेंगे, तो मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन इसलिए बोलेंगे क्योंकि शुगर सॉल्ट और कॉपर सल्फेट का जो पार्टिकल्स होगा ना, जो पार्टिकल्स वाटर के साथ मिक्स होगा, उसका साइज मॉलिक्यूल के साइज के बराबर होता है। उसका साइज मॉलिक्यूल के साइज के बराबर होता है। इसीलिए हम इन सभी के सॉल्यूशन को मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन बोलते हैं। वंस अगेन, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन हम लोग इसलिए बोलेंगे क्योंकि इन सभी के जो पार्टिकल्स होंगे, शुगर के पार्टिकल्स, सॉल्ट के पार्टिकल्स, कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स, इन तीनों के जो पार्टिकल्स मिक्स होंगे वाटर के साथ, वह पार्टिकल्स का साइज जो होगा वह मॉलिक्यूल के साइज के बराबर होता है। एक मॉलिक्यूल का साइज जितना बड़ा होता है, उतना ही बड़ा इन सभी का साइज होगा जब वो पानी के साथ मिक्स हो जाएंगे कंप्लीटली। तब उनका साइज जो है, शुगर का साइज, सॉल्ट का साइज और कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स का साइज, इन तीनों के पार्टिकल्स का साइज मॉलिक्यूल के साइज के बराबर हो जाता है। इसीलिए इन सभी के सॉल्यूशन को मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो सॉल्यूशन बात समझ में आ गया कि सॉल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। जितने भी धरती पर होमोजीनियस मिक्सचर होंगे उन्हें सॉल्यूशन बोल सकते हैं। जैसे देख लीजिए भाई, सॉल्ट का सॉल्यूशन है, शुगर का सॉल्यूशन है या फिर आपका कॉपर सल्फेट है, इन सब का मिक्सचर जो है वह सॉल्यूशन कहलाएगा चूंकि यह मिक्सचर होमोजीनियस है। तो यह समझ में आ गया, हम लोगों ने देखा सॉल्यूशन क्या होता है, उसके बाद उसका कुछ एग्जांपल देखा। सॉल्यूशन हम लोगों ने देखा कि सॉल्यूशन जो है होमोजीनियस मिक्सचर को सिंपली सॉल्यूशन बोलते हैं, और सॉल्यूशन होने के लिए चीजों को कंप्लीटली आपस में मिक्स होना चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशन जाना हम लोगों ने, सॉल्यूशन का एग्जांपल देखा हम लोगों ने किसे बोलेंगे, तो पता चला कि सॉल्ट और वाटर का जो है मिक्सचर उसे सॉल्यूशन बोलेंगे, शुगर सॉल्यूशन, उसके बाद एयर जो है वह भी एक सॉल्यूशन है, एलवाई है वह भी एक सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन का हम लोगों ने एग्जांपल देखा, और हम लोगों ने देखा कि सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हम लोग ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, और इसे ही हम लोग मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो शुगर है वह और सॉल्ट और कॉपर सल्फेट वह वाटर के साथ कंप्लीटली मिक्स होता है, इसलिए उसे हम लोग ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका पार्टिकल्स का साइज जो है मॉलिक्यूल के साइज के बराबर होता है, इसलिए मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इतना तो बात समझ में आ गया। देखिए एक चीज और, सॉल्ट, शुगर, कॉपर सल्फेट,
कॉपर सल्फेट, ये सब चीजें जो है ना ये पानी के साथ वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं। जब सॉल्ट को वाटर में डालेंगे तो यह वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, शुगर को भी डालेंगे वाटर के साथ तो मिक्स हो जाता है, कॉपर सल्फेट को भी डालेंगे तो वाटर के साथ मिक्स हो जाता है। तो जो मिक्स हो जाते हैं ना वाटर के साथ ये सब चीजें मिक्स हो जाते हैं, तो इन्हें क्या बोलेंगे कि ये सब चीज जो है सॉल्ट शुगर कॉपर सल्फेट ये वाटर के साथ सोल्यूबल है। सोल्यूबल कहने का मतलब घुलनशील, उसमें मिल सकते हैं। तो सॉल्ट शुगर कॉपर सल्फेट पानी के साथ मिल सकते हैं, घुल जाते हैं, इसीलिए इसे बोलेंगे कि सॉल्ट शुगर और कॉपर सल्फेट वाटर के साथ सोल्यूबल हैं। क्या है? सोल्यूबल हैं, वाटर के साथ सोल्यूबल हैं। तो कोई आपसे पूछे कि सॉल्ट शुगर कॉपर सल्फेट जो है वाटर के साथ क्या है भाई, तो यह सोल्यूबल है। सोल्यूबल कहने का मतलब कि मिल सकते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, एकदम कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे, इसीलिए बोलते हैं सॉल्ट शुगर और कॉपर सल्फेट और चीजें वाटर के साथ सोल्यूबल हैं। तो सोल्यूबल का मतलब समझ में आया, घुलनशील, उसके साथ मिक्स हो सकता है। क्या इसमें अगर तेल ले लेते हैं, ऑयल ले लेते हैं और वाटर में डालेंगे तो मिक्स होगा? नहीं मिक्स होता है, अलग अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा, ऑयल अलग हो जाएगा। तो ऑयल जो है वाटर के साथ इनसोल्यूबल है, सोल्यूबल नहीं है, घुलनशील नहीं है। तो इसे बोलेंगे कि ऑयल जो है वाटर के साथ इनसोल्यूबल है, इनसोल्यूबल है। क्या है? इनसोल्यूबल है। तो बात समझ में आ गया कि सोल्यूबल किसे बोलेंगे और इनसोल्यूबल किसे बोलेंगे। एक चीज और जितने भी चीजें सोल्यूबल होंगे जितने भी चीजें, वही सिर्फ ट्रू सोल्यूशन बना सकते हैं। हम लोगों ने ट्रू सोल्यूशन का कारण देखा था कि ट्रू सोल्यूशन क्यों बोलते हैं भाई किसी सोल्यूशन को, क्योंकि उसमें चीजें कंप्लीटली मिक्स्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ एकदम से मिक्स हो जाएंगे, पहचान नहीं सकते हैं आप। तो जितने चीजें सोल्यूबल होंगे सिर्फ वही चीजें ट्रू सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे देखिए, सॉल्ट शुगर और कॉपर सल्फेट वाटर के साथ सोल्यूबल है ना, तो सोल्यूबल है, इसीलिए सॉल्ट शुगर और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो है यह ट्रू सोल्यूशन कहलाता है, ट्रू सोल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो था यह तो खत्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या क्या कुछ प्रॉपर्टी होता है, क्या गुण होता है सॉल्यूशन का, उसके बाद सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे के टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, 17th नंबर टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे नए जानकारी के साथ उपस्थित होकर के। तो इससे प्रीवियस वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या चैनल विजिट करके भी आप वीडियोस देख सकते हैं, और सोशल मीडिया का भी लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर के भी फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।